SBI का ATM कार्ड हमारे पास आ चुका है। हमने जो पिछले वीडियो में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो ATM कार्ड अप्लाई किए थे, वो ATM कार्ड हमारे पास आ चुका है। आज हम उस ATM कार्ड का रिव्यू करेंगे। इस ATM कार्ड से कितना ट्रांजैक्शन होता है, इस ATM कार्ड का एनुअल चार्ज कितना है। अगर आपको नहीं पता है कि ATM कार्ड अप्लाई कैसे करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लिंक पर क्लिक कर आप वीडियो को देख लीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा को प्रेस कर लीजिए। स्टेट बैंक का ATM कार्ड आया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SBI इन टच। इन टच इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम अप्लाई किए थे। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ यू अन डिलीवर प्लीज रिटर्न टू MCT एड्रेस टेक्नोलॉजी PPT प्लॉट इतना इंडस्ट्रियल एरिया मणिपाल कर्नाटका। बोल रहा है कि अगर आपको डिलीवरी एड्रेस पर डिलीवर नहीं होता है तो इस कार्ड को आप इस एड्रेस पर रिटर्न कर सकते हैं। देखा है इम्पोर्टेंट इंट्रक्शन, बोल रहा है फॉर सिक्योरिटी रीजन योर कार्ड इज करेंटली इनएक्टिव। बोल रहा है कार्ड जो है आपका इनएक्टिव है, आपको पिन ऑन बनाना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि इन ऑर्डर एक्टिव योर कार्ड वी नीड टू कंप्लीट वन सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन यूजिंग पिन OTP स्टेट बैंक। बोल रहा है कि आपको ATM पिन बनाने के लिए स्टेट बैंक या किसी भी ATM या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पिन बन जाएगा। हाँ लिख रहा है कि बैंक आपसे कभी OTP या CVV पिन पासवर्ड कभी नहीं पूछता है। चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, इधर देख लिया। चलिए इसको हम फोल्ड करेंगे, चलिए हम इसको, चलिए ये फोल्ड हो गया है। इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, चलिए एक ये ATM कवर है, एक ये ATM कवर है, इसके बाद एक ये बुक मिला हुआ है इसमें, और इसमें अब कुछ नहीं। चलिए इसको हम साइड कर देते हैं। इसमें देखिए ये ATM कार्ड है, इसमें ये ATM कार्ड है, इसके बाद यहाँ देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा है ATM कार्ड का ये देखिए, ये नंबर है लास्ट में, ये अकाउंट नंबर नहीं लिखा है। डेली विड्रॉल 40,000, 40,000 आप इस कार्ड से विड्रॉल कर सकते हैं। डेली शॉपिंग 75,000, इस कार्ड से आप डेली शॉपिंग कर सकते हैं। कार्ड को चलिए हम देख लेते हैं, ये रहा SBI का मेरा कार्ड है, देखिए इस तरह से ये कार्ड रहा मेरा। इसके बाद ये पिन जनरेट करने के लिए बोला गया है। अब चलिए एक ठो ये बुक मिला है, बुक पर मिला है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए कंटेक्ट लेस डेबिट कार्ड, इजी फास्ट एंड इजी सिक्योर, आप इस कार्ड पर कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं इस कार्ड, इस तरह चीज लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये एक वाईफाई कार्ड है, देखिए यहाँ पर वाईफाई का सिग्नल दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं SBI का ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर हम आपको बताएंगे इस कार्ड से कितना ट्रांजैक्शन हो सकता है, इस कार्ड का एनुअल चार्ज कितना लगता है, इस कार्ड से क्या हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या नहीं। चलिए चलते हैं, चलिए हम स्टेट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहीं मेरा वीजा का कार्ड है, देखिए कंटेक्टलेस वीजा का कार्ड है, देखिए SBI बिंग टच कार्ड है, देखिए इस कार्ड फ्रीडम रिवार्ड है। लिख रहा है 50 बोनस फ्रीडम पॉइंट फॉर द फर्स्ट परचेज ट्रांजेक्शन विद इन द कम्प्लीट मंथ। बोल रहा है कि अगर 50 पॉइंट आपको बोनस मिलेगा आप उस मंथ में ट्रांजेक्शन करेंगे तो, फिर सेकंड 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा आप उसी मंथ में ट्रांजेक्शन करेंगे तो, फिर 100 रुपये का रिवार्ड मिलेगा फिर उसी टाइम ट्रांजेक्शन करेंगे तो, ये एक माह के लिए है। फैन इस चार्ज का एनुअल लिमिट देख लेते हैं, देखिए इस चार्ज को अप्लाई करने के लिए एक भी पैसा नहीं लगता है। इस चार्ज का एनुअल फीस मेंटेनेंस चार्ज 175 रुपया प्लस 18% GST, कार्ड रिप्लेसमेंट 300 रुपया प्लस GST। इस कार्ड का कैश विथड्रॉवल लिमिट हम देख लेते हैं, इस कार्ड का डेली विथड्रॉवल लिमिट 40,000 है मिनिमम, आप 100 रुपये विदड्रॉल कर सकते हैं। 40,000 को जो भी आप विदेशों में भी विदड्रॉल कर सकते हैं US डॉलर में, यहाँ पर देखिए हाँ CSP में आप ऑनलाइन शॉपिंग इसे 75,000 कर सकते हैं। हाँ CSP में आप इसे 40,000 आराम से निकाल सकते हैं। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको स्टेट बैंक के इंटरनेट माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं या आप बैंक जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं।